Dear parents and students, good morning to one and all. I am here to explain you some guidelines as tomorrow onwards we are going to start the second semester. So please listen to me carefully. I hope all of you are in good health and enjoying at home. I am going to share with you some important points regarding the second semester. Meri parents age benti hai कि कृपा करके इस वीडियो नू जरूर देखो। इहदे विच बहुत सारियां ही गल्लां तुहाडे नाल सांझियां करना चाहुंदे आ। पहली गल जिस तरह व्हाट यू नीड टू नो, तुहानू इत्थे की जानन दी लोड़ आ। जिहड़ियां आपां वीडियोस तुहानू भेजने आ उहदे वास्ते एक एंड्रॉयड फोन चाहीदा है ते नाल इंटरनेट दी लोड़ है, तां ही तुसीं इह वीडियो जिहड़ियां उह देख सकदे हो। दूसरी गल इह कि असीं आपां लाइव क्लासेस नहीं लै रहे, आपां इह सारियां वीडियोज़ अपलोड कर रहे हैं यूट्यूब ते। इहदे पिछे एक कारण है, इह कारण इह है कि जे आपां लाइव क्लासेस लईए तो उहदे वास्ते जे तुसीं बच्चे उह बच्चा स्किप कर दिंदा है तो फिर उहनूं दुबारा नहीं देख सकदा। पर जे साडियां वीडियोज़ यूट्यूब ते अपलोड हो रहियां ने, जे बच्चे नूं डाउट है तो बच्चा उसे वीडियो नूं एक बार, दो बार, तीन बार देख सकदा है ताकि वह उस सब्जेक्ट दे मैटर नूं चंगी तरह पढ़ सके ते समझ सके। दूजी गल, वट इज ऑनलाइन एजुकेशन। ये ऑनलाइन एजुकेशन की चीज़ है? ऑनलाइन एजुकेशन दे विच जिहड़ा बच्चा है वो घर बैठ के अपने सब्जेक्ट बारे जानकारी लै सकदा। उहनूं किसे स्कूल, किसे कॉलेज ते किसे होर इंस्टीट्यूशन च जाण दी लोड़ नहीं हैगी। वो घर बैठ के अपना सेफ, जितां दा तुहानूं पता है कि करोना वायरस चल रहा है उहदे विच सेफ अपने घर बह के अपने स्टडीज़ नूं जारी रख सकदा है। हुण मैं तुहाडे नाल कुछ सिंपल जे तरीके सांझे करन जा रहा कि बे इस ऑनलाइन क्लासिस नूं किस तरह इहदा फायदा लैणा। कि हर रोज़ एक सबजैक्ट दी वीडियो अपलोड कीती जाएगी एंड स्टूडेंट्स आर रिक्वेस्टेड to not to spend more than half an hour on this particular video, because minimum duration of the videos is 10 to 15 minutes and maximum it is 22 minutes. So no need to take the mobile in hand for more than 1 hour. main parents na eh gal sanjhi karna chahunda ke bacche nu ek din de vich ek video upload karni hai aur jehda sama 10 ton laake 22-23 मिनट का है। कहन का मतलब कि वह अद्धा घंटा उन्हें मोबाइल की लोड़ है। इस तों बाद जिहड़ा है तुसीं उन्हें बच्चे नूं मोबाइल नहीं देना। यह नहीं कहना कि बच्चा आंदा भी सारा दिन मैं लैना, वह चीज़ नहीं करनी। आपां सिस्टम इस तरीके का करता कि एक दिन की एक वीडियो अपलोड होएगी। इस वीडियो नूं वॉच करन दे बाद बच्चा अपनी किताब लैके उहदे विच्चों सारा मैटर जिहड़ा उहनूं उस चैप्टर नूं एक बार पढ़ेगा। आई रिक्वेस्ट द स्टूडेंट्स, please watch the video on the same day, don't keep it pending, otherwise it will become a burdensome on you, because one day one video you watch it, go through your books in detail, write down the notes for your further reference, it will help you at the time of the examination. I request my parents nu a रिक्वेस्ट करना चाहवांगा कि वो बच्चों पर थोड़ा जिहा ध्यान रखन, उन्होंने इन्ना पूछ लैन कि उन्होंने बच्चे ने आज वीडियो देखी है और उस वीडियो नूं देखण दे बाद उस नाल रिलेटेड उन्हें किताब पढ़ के पढ़ रहा है, कुछ नोट्स बना रहा है कि नहीं। ये तुहाडे नाल साडी रिक्वेस्ट है, क्योंकि असी ये चीज़ नहीं देख सकते, इस चीज़ का ध्यान थोड़ा जिहा तुहानूं साडा साथ देना पवेगा। कि स्टूडेंट्स हैव एनी डाउट रिगार्डिंग द मैटर ऑफ द वीडियो, if they are not getting it, then they can inquire about in the comment box, and this is also very easy for the children, one video one day, because they will be in relaxed mood and they can understand the topic in the detail. Now here important thing for the student is that students are getting the school like environment. They might be sitting at home, but they are getting the school like environment. Due to this,
every day they have to take bath and they have to be in proper uniform, just like they have to feel that they are in sitting in the classroom. Then only they can learn something new from the videos. And these videos are mandatory for all the students. Please don't skip it. And all of you know that this pandemic disease, coronavirus, is going on and we don't know how long it will go. So we have to carry on our studies through these online classes. मैं सारे मापियाँ नूं ये रिक्वेस्ट करना चाहवांगा कि जिन्हें भी साड़ियाँ अपने गाइडलाइन दित्तियां नूं वो अपने असर अमल विच लियाओ ताकि असी वध तो वध बच्चे दे बेहतरी वास्ते सोच सकीए. एंड प्लीज टेक केयर ऑफ योर हेल्थ. आई वॉन्ट टू शेयर फ्यू मोर पॉइंट्स विद द पेरेंट्स. मैं पेरेंट्स नाल कुछ होर गल्लां साझियां करना चाहना. जिस तरह के नर्सरी तो लैके सैकेंड क्लास तक बच्चे बहुत छोटे ने. मैं पेरेंट्स दी पेरेंट्स नूं रिक्वेस्ट करना चाहना कि वो अपना मोबाइल उन्हां नूं ना देण, बल्कि उन्हां दे नाल बह के उन्हां नूं वो वीडियो जिहड़ी है उहदी जानकारी देण, क्योंकि वो वीडियो बहुत सौखियां ने. तुसीं उन्हां नूं बच्चों पंजाबी विच भी उन्हां नूं समझा सकते हो, क्योंकि बच्चे बहुत छोटे ने, वो वीडियो आप नहीं देख सकते. इस करके एक गुजारिश है पेरेंट्स दे नाल, खास करके छोटिया क्लासा वास्ते, कि उन्हां दे नाल बैठ के उन्हां नूं वीडियो जिहड़ी है उन्हां नूं दिखाण ते उन्हां दे जिहड़े टॉपिक्स ने वो थोड़े समझाउण दी कोशिश करन. पर उपरलियां क्लासा जिहड़ियां हैगियां वड्डियां, उन्हां दे विच बच्चा की करे, जदों उन्हें वीडियो देखनी है उदों अपने हैडफोन ला ले. हैडफोन ला के जिन्ना भी उहदे विच कोई कंटेंट टीचर ने समझाया वा बड़े पॉइंट वाइज, उन्हें अपने एक कॉपी तो पेन लैके नोट डाउन कर दे. और जो वीडियो खत्म हो जाती है उसके बाद वो अपनी किताब लैके वो पॉइंटा के नाल अपनी पूरी उन्होंने डिटेल में पढ़ सकता है, तो अपने फर्दर रेफरेंस वास्ते इन फ्यूचर जो भी एग्जाम होने हैं वो मदद कर. मैं उस मालक अगे अरदास करना कि सारे परिवारों को बीमारियों तो दूर रखे तो चंगी सेहत दे, ताकि वो अपने काम कार कर सके. धन्यवाद.